कराची में गैस का बहरान, गैस स्टेशन 12 घंटे के लिए खोले गए। गैस स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें, घरों में गैस प्रेशर ना होने के बराबर, शहरी परेशान। हुकाम के मुताबिक गैस की फराहमी मुस्तकिल नहीं, आइंदा का शेड्यूल गैस प्रेशर को देखते हुए बनाया जाएगा। जमा देने वाली सर्दी में गैस की लोड शेडिंग तो कहीं प्रेशर गायब। जुमे और हफ्ते के रोज सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी शुरू की जानी थी, लेकिन इतवार को सिर्फ 12 घंटों के लिए सीएनजी स्टेशंस खोले गए। स्टेशंस खुलते ही गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कितने दिन चला देगा, बात ये आ रही है। आप ये देखें कि लोग जो तबका, छोटा तबका है, वो परेशान हो रहा है। रिक्शा ड्राइवर जो है कारोबार करें या लेने लगा के सीएनजी भरावें। अभी हम लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं सिलेंडर, वरना हम लोग उतार के फेंक देते, पेट्रोल में हम चलते। गैस बहरान से गाड़ी वाले ही नहीं बल्कि घरों में गैस प्रेशर न होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि पहले सर्दियों में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। घरों में भी नहीं पक पा रहा और बाहर भी जो है ना, बाहर भी इतना रश लगा हुआ कि ऐसे कुछ नहीं मिल रहा। ना बच्चों की रोजी हो रही है सही तरीके से, ना हमारी कोई हिसाब किताब आ रहा है। अब 400-300 रोज कमाते हैं, उसके लिए घर के दें या इस गाड़ी का ठेका दें, क्या दें? शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस बहरान पर काबू पाने के लिए कोई मौसर इकदाम किया जाए।